श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण साधन समर्पयामि हंसौ प्रचाने ओम नाभ्याय वेदं वेगुंशेष्णो द्यावौ समद लोकान कल्पानि लाचल निवासाय नित्याय परम जगन्नाथाय मंगलाक्षोर्दि जल गिराई दुबार हम पुनः आचमनी धर्म समर्पयामि हाथ जोड़े ओम विघ्नेश्वराय भरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिदाय नागाननाय श्रुतिजज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणिनाथे नमो नमस्ते भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विद्याय च वामनाय मुरली धागा सानम मास सप्तमी मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे नवम्याम तिथौ बुधवासरे अपन नाम रख ली अपन गोत रख ली बोली ओम अक्षय नमी व्रतस्य नमस्तुते भगवान विष्णु के हंसले शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सुरेशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम जोभिनु ज्ञानगम्भ्या वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम ओम विष्णुवे नमः। आज सामग्री को देकर ब्राह्मण को प्रसन्न करे, यदि आप सामग्री न सके तो विधि वर्ग प्रणाम करके ही अपने आशीर्वाद ले लें। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में तुला दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही अक्षनवमी वही फल अक्षनवमी को कुष्मांड दान करने का फल प्राप्त होता है। कुष्मांड दान किए रहते हैं जो पवित्र हो जाते हैं और वही यम लोक को चले जाते हैं। हे कृष्ण भगवान इच्छा अनुसार सभी को फल प्रदान देते हैं। इस पर सौनक ने पूछा कि हे मुनिवर आप मुझे बताइए पृथ्वी मंडल में किसने यह व्रत कुष्मांड किया था, क्योंकि हमें जानने की इच्छा है। नारद कहते हैं कि जमुना तटवर्ती पर्वत की तराई पर एक बड़ा भारी गांव था। उसमें उच्च कुल के राम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण ने अपने सती पवित्रता परिक्रम से बहुत साधना एकत्रित किए, जैसे धन कामना था वही तरह के पुण्य कार्य भी करना है। जो दिन दुखियों को दान दिया है तथा उनका इस कुष्मांड को लेकर कुष्मांड देवताए नमः इस मंत्र के आदि पूजन करे और फिर घी चार जो होते दीपक जलावे कुष्मांड का संकल्प करे ब्राह्मणों को देवे फिर ब्राह्मण आदि मंत्र पढ़कर प्रणाम करे पुनः विष्णु का स्मरण कर ले ब्राह्मण के लिए योग्य भोजन दक्षिणा इत्यादि करावे इस कुष्मांड देवताओं को प्रणाम करके बोले विष्णु भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय उमावती महादेव की जय। जल छोड़िए ओम पुनः आचमनीयम प्रत्येक आचमन जल समर्पयामि भो गंगा दिया वह इत्यादि देवताभ्याय नमः संगाय सपरिवासिताय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि हय छोड़ दीजिए। ओम सर्वोपचारार्थ गंगस्थानी पुष्पाणि समर्पयामि आवाह देवता नवला वृक्षाय नमः फिर सिंधु लगा दीजिए सुंदरम सर्व पांचवा सिंधु लगाइए नीचे में राधे राधे। नीचे रख दी हाथ हाथ धोले हस्तौ प्रक्षालन समर्पयामि ओम नाभ्या आशीदं दगुण शेषणौ देवो लोकान कल्पयन सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। तीन बार जल गिरा दी ओम पुनः आचमनी धन समर्पयामि भो गंगा धिया वह इत्यादि देवताभ्याय नमो नमः हाथ जोड़े ओम जगने न जगनमयंतदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागम महिमान सजन्त प्रवेशाध्यासन्ति देवः नान सुगन्ध पुष्पाणि दशालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त ग्रहणं परमेश्वर च परमेश्वरेभ्याय नमो नमः। छोड़ दीजिए आवाज हाथ में जल लीजिए बोलिए ओम अनया पूजया
कुष्मांडे देवताय प्रियताम नमः। संसार सारम पिता त्वमेव त्वमेव वंदो जसखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव सुभवंदकले ओम सूर्याभ्याय नमो नमः। पूजा में देखा गले भगवान गाय ओम आत्मा बंधनम परमात्मा बंधनम देवता विबंधनम सर्वेभ्याय देवेभ्याय नमो नमः। सर्वे सबको ये जो बैठो ले आते हैं जो सबको खा लो पंडित जी संग कौन सा पेड़ खाना है मत खाए काल खाए अरे कम से कम संगे ये गुरु तो खा लेंगे ना नहीं संयम का ना ना खाए हम पहले तो दक्षिणा गोल हो जाए गो दक्षिणा है खेला नहीं क्या हम सब कोई नहीं बनाया फोटो खींचे हैं